आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। पीलीभीत जिला के तहसील पूरनपुर में शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा दे रहा है। बता दें कि संस्थान बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। समय समय पर प्रशासनिक अधिकारी भी संस्थान पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। शिक्षा संस्कार कोचिंग सेंटर ने बहुत ही कम समय में तहसील पूरनपुर में एक अच्छी पहचान बनाई। गरीब अनाथ और असहाय बच्चों के लिए कॉपी किताबों के साथ ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो डिटेल की जानकारी हासिल हो गई है। तो जो भी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं या क्योंकि हमें जानकारी से जरूरी होती है, चाहे नवोदय या कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो पढ़ने में आसानी हो जाए, हमें उनके बारे में पूरा याद हो। इनको हम फैक्टर फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर फैक्टर इनटू फैक्टर इक्वल क्या निकलेगा? प्रोडक्ट निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, यस सर। दी आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। पीलीभीत जिले के पूरनपुर तहसील में धनारा घाट पर नाव संचालन द्वारा नदी पार कराने पर आने जाने वाले लोगों से 50 रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसको लेकर मौके पर जाकर नाव संचालन व्यवस्थाओं को देखा गया और नाव के माध्यम से आने जाने वाले लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने धनारा घाट पर नदी पार कराने को लेकर कोई सुविधा शुल्क नहीं लेने की बात कही है। वायरल वीडियो के संबंध में बताया गया है कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सरताज ठेकेदार द्वारा अपनी रिस्क पर नाव का संचालन करवाया गया था और उनके चाचा अकबर नूर नदी पार कराने के नाम पर 50 रुपए सुविधा शुल्क वसूलते थे, लेकिन 1 नवंबर से पूर्णतः नाव संचालन निःशुल्क है। किसी के द्वारा आने जाने वाले व्यक्तियों से कोई पैसा नहीं लिया गया है। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुशील वर्मा है और पीडब्ल्यूडी विभाग में टेंडर मैंने डाला है जो कि धनारा घाट पे नाव संचालन का हुआ है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी जो नाव से उतरने वाले उसके पैसा वैसे लेते 50 रुपये। ऐसा था कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सरताज ठेकेदार अपनी रिस्क पर नाव का संचालन करा रहे थे और उनके चाचा जी अकबर नूर वही पैसा आने जाने वाले लोगों से वसूलते थे, जबकि विभाग द्वारा 1 नवंबर से मुझे टेंडर दिया गया है और 1 नवंबर से पूर्णतः नाव संचालन निःशुल्क है। किसी से कोई किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा रहा है। जो भी वीडियो वायरल हुआ है वो 1 नवंबर से पहले का। मेरा नाम है बबलू माझी और यहाँ पे जो नाव का संचालन हो रहा है आप ही के माध्यम से हो रहा है? हाँ, यहाँ का देख रेख तो हम ही करते हैं। कोई भी ठेकेदार आते हैं तो हमसे ही काम कराते हैं, यहाँ पे पूरी जिम्मेवारी के साथ करते हैं। ये नाव संचालन कब से शुरू हुआ है? ये नाव संचालन विभाग के तरफ से 1 नवंबर से शुरू हुआ है, आज 4 नवंबर हो गया। अच्छा, एक पैसे लेने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या नाम है भाई साहब आपका? कहाँ रहते हैं? इधर कहाँ से आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं पुरनिया बोली। अच्छा, कोई पैसा लिया गया नाप पे? अभी कोई दिक्कत हुई नाप? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी और कोई पैसा वैसा का मामला था, क्या है पैसा? वो हमने निकलवाया, हमने वीडियो बनवाई थी वो 31 तारीख की थी जी। कौन ले रहा था पैसे? अकबर नूर। अच्छा, अभी जो सरकारी ठेका हुआ है इसके बाद कोई पैसा? इसके बाद में कोई पैसा नहीं पड़ा अभी तक। कोई दिक्कत परेशानी आ रही ना? कोई परेशानी नहीं, ये लोग हमारी गाड़ी खुद उतारते हैं, खुद चढ़ाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। जब से विभाग का टेंडर हुआ है तब से कोई पैसा लिया गया है? ना, कोई पैसा नहीं। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? कोई भी परेशानी नहीं है। तो जो वीडियो था वो पहले का था? वो पहले 31 तारीख का। ठीक, कार करके आए हैं तो नाव के माध्यम से आए हैं? नाव के माध्यम से आए हैं, माध्यम से ही आए हैं। नाव पे कोई किसी तरह का पैसा लिया गया? ना ना, कोई पैसा नहीं, ऐसा वसूली कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ। बल्कि हेल्प कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मोटरसाइकिल चढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी एक पैसा लेने का वीडियो भी वायरल हुआ कि नाव पार, नाव के माध्यम से नदी पार कराने पे पैसा लिया जा रहा है। नहीं, पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, जैसे तो हम लोग साथ कुछ। फिलहाल इतना ही, आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।